माय नेम इज़ मैया मे एंड टुडे द टॉपिक ऑफ माय वीडियो इज़ सैदपुर विलेज। हम अपना सैदपुर विलेज का सफ़र शुरू करते हैं। सैदपुर विलेज एक बहुत ही प्यारा और एक बहुत ही पुराना गांव है जो कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स के दामन में मौजूद है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताती चलूँ। 1530 में मिर्ज़ा फ़तेह अली ने इस गांव को फ़तेह किया। इसी के नाम पे इस गांव का नाम फ़तेहपुर बावली रखा गया था, लेकिन बाद में शहनशाह अकबर ने इस गांव को सैद खान को गिफ्ट दे दिया गखर फैमिली की सर्विसेज की वजह से, और फिर इस गांव का नाम सैदपुर हो गया। लेटर सुल्तान सैद की एक बेटी थी जिसकी शादी उन्होंने मुग़ल सल्तनत के बादशाह जहांगीर से की थी। अपनी बेटी को ये गाँव तोहफे में दे दिया। हम अब अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। ये गेट है जो कि सैदपुर विलेज की एंट्रेंस पे बना हुआ है, जो कि इसकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहा है। हम इस गांव में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को एक कैफ़े नज़र आता है जिसका नाम है सदाबहार कैफ़े। फिर आगे जाते हैं तो हम लोगों को पुराने ज़माने के बहुत ही कदीम घर देखने को मिलते हैं। इन घरों के बाद हम लोगों को ये एक बहुत पुरानी बैठक देखने को मिलती है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है बैठी सैदपुर गांव। लेफ्ट हैंड पे हम लोग एक बहुत ही पुराना घर देख सकते हैं जो कि अब वीरान है, यानी उधर अब कोई भी नहीं रहता और इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो अब चलते हैं इस गांव की मेन जगह पे। ये आपके सामने इस जगह पे एंटर होने की पुरानी जगह है, यानी जहाँ से हम मंदिर और गुरुद्वारे में एंटर हो सकते हैं। तो ये सामने जो जगह आप देख रहे हैं ये है राजा मान सिंह का धर्मशाला, यानी इस ये पहले राजा मान सिंह का धर्मशाला था और अब इसको ये लोग मंदिर का पार्ट ही कंसिडर करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितने अच्छे तरीके से, कितने कलरफुल तरीके से, कितना प्यारा काम हुआ हुआ है। ये पहले सिख मदरसा था, यानी क़्याम पाकिस्तान से पहले, और क़्याम पाकिस्तान के बाद ये स्कूल बन गया थोड़े अरसे के लिए, और उसके बाद अब ये 2004 यानी 2004 में एक म्यूज़ियम बना दिया गया था। इसी धर्मशाले के लेफ्ट साइड पे दो कमरे हैं जिसके ऊपर अंदर की तरफ ये तख्ती लगी हुई है जिस पे लिखा है लाला यमराज सूरी भरता भगत अमर चंद सूरी वल्थ लाला शोदयाल सूरी सैदपुर राम कुंडवाले ने बनवाए 1990 में, यानी ये दो कमरे अभी ही कुछ साल पहले ही कंस्ट्रक्ट हुए हैं। इन्हीं दो कमरों के बाहर की साइड पे एक और तख्ती लगी हुई है जिस पे लिखा है कि ये ऊपर वाला कमरा और बरांडा शर्मवान वल्द बुजुर्गवार लाला दूनी चंद जी व भरता मोहर चंदो मंगल सैन जी सूरी सोर ग्यार शिवा की यादगार में भगत ख्याली राम रोयल चंद सूरी ने तामीर करवाए थे 1997 में। चलते हैं मंदिर की तरफ। ये टेम्पल एक 16th century टेम्पल है और इसका नाम है रामा मंदिर या रामा कुंड टेम्पल। मंदिर डेडिकेटेड था हिंदू गॉड रामा को। हिंदू मानते हैं कि जब उनके गॉड रामा को जिला वतन कर दिया गया था, यानी जिस जगह वो रहते थे उधर से निकाल दिया गया था, वो अपनी फैमिली के साथ इस मंदिर में रहे थे कोई 14 days तक। ये अंदर से देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बॉक्स टाइप चीज़ें बनाई हुई हैं जहाँ पे शायद इन्होंने अपने गॉड्स वगैरह रखे हुए होंगे, और इसकी छत पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और कितना बारीकी से कलरफुल काम किया गया है। हम चलते हैं गुरुद्वारे की तरफ। तो गुरुद्वारा सिखों की इबादतगाह होती है जहाँ पर वो आके अपनी रिलीजियस चीज़ें परफॉर्म करते हैं। तो ये एंट्रेंस है गुरुद्वारे की और ये गेट के ऊपर आप देख सकते हैं सर्कल में हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। इसी गुरुद्वारे के बाहर ज़मीन पे एक टाइल पे लिखा हुआ था शर्मती माया देवी धर्म पत्नी बख्शी पखराज वल्द बख्शी देवी दास साकिन कोरी ज़िला रावलपिंडी ने अपने लड़के जय गोपाल की याद में सेवा कराए। तो अगर हम इधर सैदपुर की खूबसूरती की बात करें तो एक और चीज़ है जो इधर की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाती है, जो कि इसकी है फूड स्ट्रीट। फूड स्ट्रीट की एंट्रेंस में इन्होंने यूँ लाइट्स लगाई हुई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये एक चाय खाना जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा कलरफुल मग्स और बहुत कलरफुल पेंटिंग करके बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर आते हैं हम यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट था जिसका नाम था देश परदेश। तो उन्होंने ग्रीन और रेड का कम्बिनेशन मिला के बहुत अच्छी से सेटिंग अरेंजमेंट की हुई थी जिसकी वजह से लोगों का दिल चाहता होगा कि वो इस प्यारी से जगह पे बैठ के प्यारे से मंजर को एंजॉय करते हुए अपना खाना खाएं। आगे हमारे पास ये एक जगह आती है जिसका नाम है डेरा शनवारी, जिसको डेरा पख्तून भी कहा जाता है।
जैसे ही हम इसके अंदर जाते हैं तो हम लोगों को अंदर जाते हुए बहुत सारी पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, जो कि शायद पख्तून सरदारों की या पाकिस्तान में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी पिक्चर्स इन्होंने उनकी याद में दीवार पे लगाई हुई हैं, और ये एक डेकोरेशन का रोल भी यहाँ पे प्ले कर रही है। खाने पीने के अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ की दुकानें भी लोगों का मेन अट्रैक्शन है। यानी यहाँ की दुकानों से लोग एंटीक किस्म की ज्वेलरी, एंटीक किस्म के डेकोरेशन पीसेस और मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें ख़रीद सकते हैं, जो कि बाद में वो अपने घर में या ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस दिखाए गए हैं, और आगे ही इसके साथ एक कपड़ों की दुकान थी जहाँ पे आप लोग पठान स्टाइल, बलोची स्टाइल, सिंधी स्टाइल कपड़े और जैकेट्स आराम से ख़रीद सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक दुकान थी जो कि एक दरख्त के साए में बनी हुई थी। यानी इस दुकान पे साइड्स पे दीवार पे उस दुकानदार ने अपनी चीज़ें सजाई हुई थी, जिसमें बैग्स, जूते और मुख्तलिफ तरीके के झुमके और शॉल्स रखे हुए थे, और साथ मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर अवेलेबल थे। तो बस ये थी मेरी वीडियो असाइनमेंट जो कि मैंने कर ली है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी।